बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। डियर स्टूडेंट्स, हियर इज योर साइंस टीचर सलमा, एंड टुडे यू विल लर्न अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, एज वी हैव स्टार्टेड यूनिट नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्थ एंड डिजीज। सो नाउ यू विल लर्न अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? बेसिकली द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट बी सीन विदाउट माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट मीन्स दोज लिविंग थिंग्स विच यू कैन नॉट सी विथ यूर नेक्ड आईज, दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर सो स्मॉल एंड यू कैन नॉट सी देम विदाउट अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। ओके, सो यू कैन सी द लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ईजीली कैन काउंट द लार्ज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट यू कैन नॉट सी द स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वेरी टाइनी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, लुक एट दिस हैंड। दिस हैंड कंटेन सो मैनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यू कैन नॉट सी देम बिकॉज दीज आर सो स्मॉल। Okay, these are also microorganisms. As you know that microorganisms are found all over the world. पूरी दुनिया में ये microorganisms present होते हैं, ठीक है? ये soil में present होते हैं, water में present होते हैं, ज़मीन में present होते हैं, even हमारी body में भी present होते हैं, ठीक है? हमें नज़र नहीं आते, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। सो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे कैन फाउंड इन वाटर, सॉइल, एयर और इन अवर बॉडी। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, आर सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एंड द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोस्कोपिक, वाई दे आर माइक्रोस्कोपिक, बिकॉज वी कैन नॉट सी देम। एंड द ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच इज प्लांट्स आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल एंड दीज आर कॉल्ड द मल्टी सेल्युलर, इट मीन्स दे हैव मैनी मैनी सेल्स, बिलियंस ऑफ द सेल्स। ओके, नाउ देयर आर फोर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1 वायरसेस, नंबर 2 बैक्टीरिया, नंबर 3 प्रोटोजोआ एंड नंबर 4 फंजाई। दीज आर द फोर काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे कैन अफेक्ट आवर बॉडी इन डिफरेंट वेज। ओके, लुक एट दिस, दिस इज ए कोरोना वायरस। ओके, आजकल आप सुनते होंगे कोरोना वायरस के बारे में, ठीक है? तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कोरोना? It causes flu and cold. This is also a virus. Okay. This is a plant viral infection. Okay. This is a plant and this plant is infected by a virus. Okay. This is a child. This is a child and he has chicken pox and chicken pox is also called by virus. Viruses are basically smaller than bacteria. Viruses एक bacteria जो एक cell वाला होता है उससे भी छोटे होते हैं, ठीक है? They can grow and only survive in our body or in any living cell's body, ठीक है? They cannot grow outside the body. Okay, so this is all about the microorganisms. Microorganisms can cause so many diseases. They are found in warm and moist places. They can survive only in the living cells. They multiply rapidly. It means they can make their copies. इनकी जो समझे कि नस्ल है वो जल्दी बढ़ती है, क्योंकि ये कॉपी, इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो जल्दी होती है, ये जल्दी जल्दी इनमें से न्यू कॉपीज जो है वो बनती है, ठीक है? ये वायरसेस क्या कराते हैं? बहुत सारी डिजीजेस कराते हैं, ठीक है? बहुत सारी सम इलनेस सच एज
influenza, chicken pox, cold, measles, mumps, hepatitis, these all diseases are caused by virus. Okay, now students, your homework is you have to write and memorize the definition of unicellular organisms, multicellular organisms and microorganisms. Thank you. Allah Hafiz.